शाहजहांपुर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जो देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है, वहां के लोगों की सूचना पर जब मीडिया वहां पहुंची तो उसने वहां पर देखा कि सेना की वर्दी प्राइवेट तरीके से सिली जा रही है। शाहजहांपुर से संवाददाता हमारे लाइन पे जुड़ी हुई है रुखसार। रुखसार, किस तरीके से सेना की वर्दी वहां पर सिली जा रही थी और क्या सूचना आ रही थी आपके पास, क्या देखा आपने वहां पे और क्या सवाल है देश की सुरक्षा पे? तीन चार दिन से लगातार खबर आ रही थी कि भारतीय सेना की प्राइवेट तरीके से निजी आवासों पर वर्दियां बनवाई जा रही हैं, जो कि देश की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करती है और टेररिज्म पर भी कहीं ना कहीं मदद मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि सेना की वर्दी आम लोगों जैसा लिबास नहीं होती है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि सेना की वर्दी आम लोगों जैसा लिबास नहीं होती है, वहां के ठेकेदारों का क्या कहना है इस मामले में? आपने वहां के जो प्रबंधक हैं, ओसीएफ निर्माणी के जो प्रबंधक हैं, आयुध निर्माणी के महाप्रबंधक, उनसे क्या बात की आप लोगों ने कि ये मामला जो है ये संज्ञान में आया इस तरीके से और ये वर्दी बाहर सिलवाई क्यों जा रही है? ठेकेदारों का साफ कहना है कि ओसीएफ महाप्रबंधक के आदेश पर इन वर्दियों को निजी संस्थानों पर सिलवाया जा सकता है, जिसका हम ठेकेदार पैसा जमा करते हैं और ओसीएफ महाप्रबंधक से लाख कोशिशों के बाद भी उनसे बात नहीं हो पा रही है, जिससे कि बात को साफ किया जा सके कि भारतीय सेना की वर्दी बाहर आपके आदेश पर सिलवाई जा रही है या नहीं। तो आपने देखा किस तरीके से देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और यकीनन बड़ा सवाल भी है कि देश की सुरक्षा के लिए सरहदों पर तैनात सिपाहियों की वर्दी, देश के सैनिक, उनकी वर्दियां प्राइवेट तरीके से सिलवाई जा रही हैं। हकीकत में ये अगर साफ तौर पर देखा जाए तो देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा सवाल है। तो सर, बहुत बहुत जानकारी देने के लिए शुक्रिया। आप इसी तरह से लाइन पर जुड़े रहिए और देते रहिए आगे का अपडेट। तो आपने देखा किस तरीके से सेना की वर्दी के साथ खिलवाड़ कर किया जा रहा है और ओसीएफ महाप्रबंधक से बात नहीं हो पा रही है मीडिया की, जिससे कि बात को साफ किया जाए कि ये वर्दी उनके आदेश पर सिली जा रही है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।